बिहार के वासियों तैयार हो जाइए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात तूफान रेमल बिहार में कहर बरपाने वाला है। समुद्री तटों पर लैंडफॉल करते हुए रेमल की हवाएं 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इसका असर बिहार में भी जल्द ही दिखने वाला है। पटना स्थित IMD के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक मेटे ने बताया कि ये गंभीर चक्रवाती तूफान बिहार के पूर्वी इलाकों में मेघ गर्जन, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश लेकर आने वाला है। 27 को रेमल तूफान की वजह से सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिजली की चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। बाकी जिलों में तूफान का कोई असर नहीं दिखेगा। बिहार के अधिकांश जिलों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। पूर्वी भाग के इन 12 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक कुणाल कौशिक मेटे के अनुसार मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर और नालंदा जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पटना, दरभंगा, रोहतास और नालंदा जिलों में हॉट नाइट रहने की पूर्व संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 26 मई को बिहार के 14 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। इस दौरान गोपालगंज में हीट वेव भी दर्ज की गई। टॉप 5 गर्म जिलों की बात करें तो बक्सर सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गोपालगंज में 42.7 डिग्री, औरंगाबाद में 42.2 डिग्री, वैशाली में 42.8 डिग्री और अरवल में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो बिहार के लोगों, इस चक्रवाती तूफान और भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले मौसम की अपडेट्स पर नजर रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें। लोकल 18 के लिए पटना से सचिदानंद की रिपोर्ट।